हरियाणा एक गहराट देखने वाले सारे बन भाइयों ने राम राम। आज मैं आपने ऐसी दुकान दिखाऊंगा, रोहतक शहर में फिलहाल मैं मौजूद हूँ। एक ऐसी दुकान है जहाँ पे इतनी सस्ती दवाइयाँ मिलती है जो आप सोच भी नहीं सकते। कारण क्या, इतनी सस्ती दवाइयाँ क्यों मिलती है वो मैं एक बार दिखा दूं। रोहतक शहर में जो दुकान है या खुल गई है भारत सरकार द्वारा जन औषधि केंद्र, और एड्रेस मैं आपने बता दूं, रोहतक में जो सिविल हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल के बैक गेट के बिल्कुल सामने हम फिलहाल मौजूद हैं। और यहाँ पे दुकान खुली है भारत सरकार द्वारा जन औषधि केंद्र जो है वो खुला है। इतनी सस्ती दवाइयां यहाँ पे मिल रही है, उनका कारण क्या है, यहाँ के जो ओनर है आज उससे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो कस्टमर है, ये अंकल खड़े है, नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। दवाई लेने के लिए आए हो? बिल्कुल आया हूँ जी। क्या फर्क है जो और भी जो दवाइयों की दुकान है और जो भारत सरकार द्वारा ये दुकान खुली है, इनमें और उनमें दवाइयों में क्या अंतर है? एक तो रेट्स के बहुत अंतर है उनमें, इसमें और बाकी ठीक है। जैसे ही साल्ट मिल जाते हैं, सेम साल्ट की दवाई होती है और वैसे ही बेनिफिट। इस तरह से जो कह रहे हैं कि बिल्कुल सस्ती दवाइयां मिलती है, क्या ये सच है बात? ये बिल्कुल सच है और उससे भी फोर्थ रेट से कम में मिल जाती है, चार गुना कम होती है। अभी आपने दवाई खरीदी है? हाँ, ये मैंने दवाई खरीदी है। नमस्कार अंकल जी। नमस्ते भाई। क्या फर्क है इन लोगों में, दवाई में, इनकी में, और जो बाहर से दूसरी दुकानों से दवाई खरीदते हैं और इस दुकान से दवाई खरीदते हैं, तो क्या अंतर आपको नजर आता है? वही नजर यो है, इसमें कुछ कंसेशन थोड़ा ज्यादा मिल गया है। ज्यादा मिल जाए, सस्ती मिल रहा है मतलब? हाँ, और आधा सस्ती मिल जाइए, कुछ उस मर्याद करके दे दे हैं परसेंटेज में, वो पूरे पूरे लगाओ हैं। अच्छा अच्छा, लोन करता है। तो भाई यहाँ के जो ओनर है उनसे हम बात करांगे अंदर चल के। जो बहुत सारे ऐसे सवाल है जो हमारे दिमाग में भी है और आपके दिमाग में भी आगे होंगे कि यह जो दुकान खुली है, जो हम बार बार ये कह रहे हैं कि सस्ती दवाई मिल रहे हैं, क्योंकि दवाई हर आदमी खरीदता है, लेकिन सस्ती क्यों मिल रहे हैं, उसका कारण क्या है, वो सारे कारणों का जो जवाब है वो यहाँ के ओनर है उनसे लेंगे हम। आओ मेरे साथ। तो भाई दुकान के अंदर आ गए हैं और यहाँ के जो ओनर है भाई प्रदीप बुरा जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप बताओ। जो कह रहे हैं कि रोहतक शहर में यह दुकान खुली है और सस्ती दवाई आड़ में लल लाग रही है, सबसे पहले आधे इस बात का जवाब दे दो। अगर दवाइयां ही दुकान तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन सस्ती का क्या मतलब है, वह सस्ती दवाई क्यों है? भाई साहब ऐसा है, ये जो दुकानें हैं ये एक मुहिम है, दुकानें नहीं है, इसमें सेवा है, जन सेवा है। ये एक मुहिम है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चला रखी है। अच्छा। और ये जिस दुकान में आप खड़े हो, ये रोहतक शहर की पहली दुकान है। अच्छा। हाँ जी। और हम 6 साल से यहाँ लोगों की सेवाएं करते आ रहे हैं। और इस मुहिम का मकसद क्या है, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि कोई भी गरीब आदमी दवाई की कमी के बगैर मरना नहीं चाहिए, और उसी सपने को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए ये जो हमारी जितनी भी दवाइयां हैं, ये सब दवाइयां जीएमपी WHO सर्टिफाइड दवाइयां होती है। इसके अंदर मेन जो लोगो है, ये देखिए, ये जो लोगो है हमारा, बिल्कुल। हाँ जी। और इसी मुहिम के द्वारा हमारी ये रोहतक शहर के अंदर दुकान नहीं है, थ्रू आउट इंडिया के अंदर हमारी 10,000 दुकानें हो चुकी हैं। अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने 10,001 स्टोर का उद्घाटन किया था एम्स के अंदर। अच्छा, एक चीज और है, देखो सुनने को मिलती है, क्योंकि कई साल से ये दुकानें हम देख रहे हैं और कई जगह जो दुकानें हैं, जैसे अब दुकानों का ये समझ में नहीं आता कि ओरिजिनल दुकान कौन सी है, क्योंकि जब बाजार में जब निकलते हैं, अब बात कर लेते हैं जैसे भारत सरकार द्वारा जन औषधि जो केंद्र खोले गए, जगह जगह जो है लिख रहे हैं, क्या फिर ये सभी ओरिजिनल है या फिर इनमें भी कोई फर्क, क्या फर्क हो सकता है इनमें? नहीं सर, ये जो लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा आपको, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, आपको मोदी जी की फोटो लगी हुई मिल जाएंगी। अच्छा। जिससे भोले भाले ग्रामीण जो लोग हैं, फोटो देख के चले जाते हैं। सिविल हॉस्पिटल के अंदर ग्रामीण आंचल से जो लोग आते हैं, बेचारे बुजुर्ग लोग हैं, जिन्हों को सिर्फ अंदर भी ये पता है कि ये मोदी जी की दुकान है, उनको भ्रमित करने के लिए उन्होंने मतलब फोटो लगा रखी है कि एक बार कस्टमर चढ़ जाए। उन लोगों के पास हमारी जो दवाइयां हैं वो उपलब्ध नहीं होती। अच्छा, लोगों को प्रधानमंत्री जी का फोटो देख के ये लगता है कि यहाँ पे सस्ती दवाई मिलेगी जी, तो उसको देख के वो वहाँ पे चले जाते हैं, सिर्फ फोटो देख के भ्रमित होते हैं। तो फिर ओरिजिनल की पहचान बताओ, जो जो लोग आपको देख रहे हैं जी, ओरिजिनल की पहचान, एक तो हमारा ये सिंबल है, ठीक है, तो ये लोगो हो गया डिब्बे के ऊपर, ये लोगो मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी। और हमारे जो ऑलरेडी रेट फिक्स होते हैं, हमारे जो ऑलरेडी रेट फिक्स है, हमारी ऐप है,
बकायदा भारतीय सुगम ऐप है, जन औषधि सुगम ऐप है, वो हर कोई अपना एंड्रॉइड फोन के अंदर मोबाइल ऐप है उसको डाउनलोड करो और हमारे रेट्स उसके ऊपर ऑलरेडी मेंशन्ड है। देखो बात फिर वही आ जाती है, अगर तो बुजुर्गों की बात करें जैसे सिविल हॉस्पिटल है, साथ में सिविल हॉस्पिटल के बिल्कुल पास में मौजूद है बैक गेट है जो यहाँ पे, तो जो बुजुर्ग जो लोग आते हैं, जो गांव के लोग आते हैं, देहाती लोग आते हैं, उनको पता नहीं होता वो ऐप वगैरह कहाँ पे वो सर्च करेंगे, उनके लिए कोई ऐसी चीज बताओ जो स्पेशल वो देखते ये पहचान जाए कि भाई हाँ ये असली दुकान है। असली दुकान तो हमारी एक ही पहचान है, उसके अंदर मोदी जी की फोटो के साथ साथ भारत सरकार का लोगो लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ अशोक स्तंभ है ना जो हमारी दुकान के बाहर लगा हुआ है। बिल्कुल भाई, जो साइड में जो आप जो देखने लग रहे हो ये आप जो लोगो जो बता रहे हैं सर, ये लोगो आप देख सकते हैं जो प्रधानमंत्री जी की फोटो के साथ जो लोगो आप देख रहे हैं, जो पूरी पहचान जो साइड में स्क्रीन पर फोटो आप देख रहे हैं, ये पहचान है इस दुकान की जो असली जो पहचान है। अच्छा सर एक सवाल और होता है जो कई बार जो है सुनने को मिलता है, जब कई बार लोगों से बात करते हैं इन इस तरह की दवाइयों के बारे में, जब जिक्र चलता है कि भाई ऐसे ऐसे दुकानें खुली हुई है भारत सरकार द्वारा और वहां पे सस्ती दवाइयां मिलती हैं, तो कुछ लोग ये कहते हैं, पता नहीं ये भ्रम फैला रखा है या फिर ये सच्चाई है, वो कहते हैं कि जो किसी और दुकान से जैसे कोई प्राइवेट कोई भी दुकान लगा लो वहां से दवाइयां लेते हैं और उन दवाइयों में इन दवाइयों में अंतर वो लोग ये बताते हैं कि भाई ये दवाइयां कम असर करती हैं, वो प्राइवेट दवाइयां जो खरीदते हैं वो ज्यादा असर करती हैं, क्या ये भ्रम है या फिर इसमें क्या इसका जवाब क्या है? बिल्कुल भ्रम है सर। कैसे जी? क्योंकि हमारी जितनी भी दवाइयां हैं वो सारी जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं वो WHO GMP सर्टिफाइड है और हमारी जो ये लैब है NABL लैब इससे सारी टेस्टेड है और हमारी भी दवाइयां वही मैन्युफैक्चरर बनाते हैं जो प्राइवेट कंपनियों की मैन्युफैक्चरर बनाते हैं, जैसे कि हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं सिप्ला है, बायोकॉन है, बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरर एक्यूम्स है, एड्रो है, ये जो मैन्युफैक्चरर ये ही हमारी दवाइयां बनाते हैं। अब मैं इसमें एक एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूँ आपको, हमारे पास इंसुलिन के इंजेक्शन है, हमारे इंजेक्शन भी उन्ही कंपनियों ने बना रखे हैं जो ऑलरेडी बनते हैं, तो मैं इंजेक्शन दिखाओ लेंटस का, हमारे पास उसकी कीमत 340 रुपए है और बाहर मार्केट में 650 रुपए मिलता है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, अमलवाद रेट हो गया सीधा जी। अब भ्रमित कैसे करते हैं कैसे नहीं ये देखिए इंसुलिन ग्लार्जिन, तो क्या फिर जो 650 का जो मिलता है क्या ये भी उतना ही काम करेगा सर? वही बात फिर आती है, सेम मैन्युफैक्चरर सेम कंपनी, फिर डिफरेंस कहाँ? अच्छा एक चीज का जवाब और दो, क्या इस जो दुकान है ये भारत सरकार द्वारा इस पे हर तरह की दवाइयां मिलती हैं या फिर कुछ दवाइयां ऐसी भी हैं जो मतलब कोई डॉक्टर ने कोई पर्ची लिख दी, जैसे पर्ची लिख देते हैं और पर्ची लिखने के बाद भाई जैसे दुकान पे जो कोई भी ग्राहक जाता है तो प्राइवेट दुकानों में देखने को मिलता है नॉर्मली कि कोई भी डॉक्टर कोई पर्ची लिख देता तो हर दवाई उनके पास अवेलेबल होती है, सब कुछ मिलता, क्या आपके पास भी या फिर कोई ऐसी चीजें भी हैं जो आपके पास नहीं मिलती? जी हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल्स पेटेंट से बाहर निकल चुका है वो हर मॉलिक्यूल्स हमारे पास अवेलेबल है जी, चाहे सिंपल एक पैरासिटामोल की गोली से लेकर कैंसर तक की दवाइयां कोई भी हो वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, सिर्फ कंडीशन ये है कि वो पेटेंट नहीं होना चाहिए, पेटेंट से जो बाहर निकल जाए मॉलिक्यूल्स उसको जेनरिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। जेनरिक मॉलिक्यूल्स ऐसा नहीं है कि भाई वो सस्ता होता है या पेटेंट होता है, जेनरिक दवाई ऐसी ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ पेटेंट से खत्म हो जाए तो वो जेनरिक मॉलिक्यूल हो जाता है, उसको सभी कंपनियां बनाती है और उसी जेनरिक मॉलिक्यूल्स पे हमारी भारत सरकार कार्य कर रही है, हमारे पास सभी मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है। अच्छा अब आप कितने दिन से, 6 साल से यहाँ पे? 6 साल से रोहतक शहर की सेवा कर रहा हूँ। जो लोगों का भरोसा है वो कितना बढ़ता जा रहा है इन दुकानों के ऊपर, जैसे आपकी दुकान है? सर रोहतक शहर की जनता का पूरा भरोसा हमारे साथ है, 6 साल से बहुत ज्यादा मजा आ रहा है रोहतक शहर के अंदर कार्य करते हुए, आज तक मेरे हिसाब से किसी भी कस्टमर को मतलब अब लोगों को पता लगने लग गया कि भाई हाँ दवाई यहाँ से खरीदनी चाहिए जी। सिविल शुरू में जब ये खुली तो बहुत लोग मतलब ये जो भ्रम था हमारे पास जो सामने सिविल हॉस्पिटल है हमारे वहाँ के डॉक्टर्स का स्टाफ का बहुत ज्यादा सहयोग है, वो लोग अंदर से जाके मतलब स्टाफ और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि बाहर जाके मोदी की दुकान से दवाइयां ले लो, लेकिन लोग भ्रमित हो जाते हैं फोटो देख के और वो भ्रमित सही दुकान पे नहीं पहुंच पाते वो सही दुकान पे नहीं पहुंच पाते बिल्कुल। तो भाई आज जो है हरियाणा 1008
को आठ आपको बिल्कुल सही जगह पे लेके आया है। डॉक्टर प्रदीप बुरा जी हैं जो सिविल हॉस्पिटल के बैक गेट है, जो उसके सामने जो है बाहर से भी जो हम फुटेज जो लगा देंगे साथ में, जो आप देख रहे हैं जो ये रोड है, ये सिविल हॉस्पिटल का जो गेट है और यहाँ से जो आप इधर गोहाना अड्डा की तरफ आप चलते हो बैक गेट से निकल के, तो पालिका बाजार का जो ये गेट है यहाँ से जब थोड़ा आगे आप निकलते हो तो लेफ्ट साइड को आपको ये दुकान जो है नजर आ जाएगी। इसका कोई और भी नाम है या अशोका इलेक्ट्रिकल के साथ? अशोका इलेक्ट्रिकल के साथ, ये अशोका इलेक्ट्रिकल की जो दुकान है इसके साथ में ये दुकान आपको नजर आ जाएगी। और यहाँ का जो स्टाफ है वो भी मैं एक बार कहूंगा, वो स्टाफ भी आप दिखा दें ताकि डॉक्टर प्रदीप बुरा जी यहाँ पे मौजूद नहीं है तो स्टाफ को भी पहचान के जो है, अगर ये वीडियो देख के आप लोग आ रहे हो तो आप स्टाफ को भी पहचान सकते हो, आपको पता लग जाएगा कि आप लोग बिल्कुल सही जगह पे आए हो। शुरू शुरू में थोड़ा ढूंढने में थोड़ा आपको अटपटा लगेगा अगर, लेकिन आप ढूंढोगे ढूंढकर अगर इस दुकान पर अगर आप आओगे तो आपको जो है फायदा मिलेगा और बिल्कुल सस्ती और ओरिजिनल जो दवाइयां हैं वो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। और ये वीडियो जो आपने लास्ट तक देखी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज का लाभ उठा सके। इन्हीं सब बातों के साथ मैं लेता हूँ इजाजत। हरियाणा 1008 के लिए मैं दिनेश कुमार, जय हिंद जय हरियाणा।